गाइस वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है डाउट सेशन, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको मैथ साइंस रीजनिंग में डाउटफुल लगता हो, या कोई भी टॉपिक की क्लास आप ले सकते हो। बल्कि इसका कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को या तो जरूरत नहीं है या फिर आपको पता ही नहीं कि मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो अब ये क्वेश्चन उनके लिए डेफिनेटली जरूरी है। जैसे DSSSB का अभी पेपर हो रहा है PRT का, और किसी का टारगेट 18+ है आउट ऑफ 20 मैथ्स में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ये रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ में भी आ सकता है, ये डुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जैसे KVS PRT में किसी का 10 में से टारगेट है 8+, उसके लिए जरूरी है। अगर किसी का टारगेट 20 में से सिर्फ 12 या 13 नंबर है, तो उसके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बाद में मत कहना कि आप लोग व्यूज के लिए ऐसा करते हो, ठीक है ना। पता नहीं ऐसा क्यों करते हो आप लोग। चलो छोड़ो, वो कह रहा है कि एक बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया में स्प्लिट हो रहा है। अगर बैक्टीरिया शुरुआत में एक्स थे, तो अब कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 8x। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से सिर्फ 25% ही आगे जा पा रहे हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, ये तो आपको पता होगा ना। तो एक्स से बनने चाहिए थे 8x। हाँ पापा, अभी थोड़ी देर में एक्स से बनने चाहिए थे 8x, लेकिन उसका 1/4 ही सरवाइव कर पाएंगे। तो 8x का 1/4 कितना होता है? 2x। अगला देखो, बस इसमें गलती क्या होती है मैं बताता हूं। इसमें गलती ये होती है कि हम इसे फर्स्ट जनरेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड जनरेशन सो ऑन, अभी देखते रहना। इसके बाद अब 2x आपके पास थे, 2x आपके पास थे, अब इसका 8 टाइम्स बनना चाहिए था, यानी कि 16x, यानी कि 16x, लेकिन फिर दोबारा 1/4 ही बन पाएंगे, तो इसका 1/4 कितना होता है? 4x। फिर इसका 8 टाइम्स बनना चाहिए था, तो कितना बनना चाहिए? 32x, लेकिन इसका कितना बन पाएगा? 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा? 8x। अगर आप थोड़ा सा ढंग से देख रहे हो, तो ये एग्जैक्टली डबल ही हो रहा है, एग्जैक्टली डबल ही हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एग्जैक्टली डबल ही हो रहा है, ठीक है ना। आगे अब आपके पास 8x से कितना आएगा? 16x। 8x से कितना आएगा? 16x। अगर यहां तक आपको ये बात क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब सुनना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब आपके पास कितने हैं? 64 मिलियन। तो 16x अगर 64 मिलियन के बराबर है, 16x अगर 64 मिलियन के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर होगा? 4 मिलियन के। एक्स किसके बराबर होगा? 4 मिलियन के। समझ आ रहा मैं कह रहा हूं? दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। व्हाट इज द नंबर इन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में कितना नंबर था? एक्स कितना हो जाएगा? 4 मिलियन के। इसके और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये वाला सबसे सही लगा मुझे, ठीक है ना। चलो अगला, वो कह रहा है कि किसी कंपनी में 60% मेन है, तो मान लिया टोटल 100% है, जिसमें से 60% क्या है? मेन। तो 40% क्या हो जाएगी? वुमेन। अब इस 60% एक मिनट, हाँ, इसके बाद 40% ऑफ द मेन अर्निंग मोर देन 40,000 पर ईयर, मतलब मेन वाली कैटेगरी में ही आ जाओ, मेन वाली कैटेगरी में ही, इसका 40%, तो 60 का 40% कितना होता है? 24%। 24% आदमी ऐसे हैं जिनकी 40,000 से ज्यादा सैलरी है, ठीक है ना। इफ 40% ऑफ द कंपनी इंप्लॉयज अर्न मोर देन 40,000 पर ईयर, टोटल का 40% 40,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। अब सुनते रहना, टोटल कंपनी के 40% लोग 40,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, जिसमें से 24% तो आदमी है, 24% तो आदमी है। तो अगर 24% आदमी है जिनकी 40,000 से ज्यादा तनख्वाह है, तो
तो 16% औरतें होगी जिनकी 40,000 से ज्यादा तनख्वाह है, 16% औरतें होगी जिनकी 40,000 से ज्यादा तनख्वाह है, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन इंप्लॉयज बाय द कंपनी अर्न 40,000 पर ईयर। मतलब वो यहां ये तो नहीं कह रहा ना कि ज्यादा, तो आप 40,000 और 40,000 से कम को लेके चलोगे, ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना। अगर 40,000 से ज्यादा वाले कहते तो कितनी होगी, 16%। 40,000 से ज्यादा वाले कितने होंगे, 16%। तो देखो 40% आपके पास क्या है, टोटल वो है जो 40,000 तक कमा रहे, 16% उसमें से औरतें हैं, 16% उसमें से औरतें हैं। तो अब आप अगर रेट चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना चाहो तो 40 माइनस 16 बटे 40 तो कितना आ जाएगा, 24 बटे 40, यानी कि 3/5। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं अगर आप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हो। तो कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।